नाज़रीन-ए-गिरामी, एक बार फिर ईरान और इसराइल में ठन गई है। दोनों ममालिक फिर से जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तेल अबीब और तेहरान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात, बयानात और ऐलानात के बाद जंग की नौबत आ चुकी है। सूरत हाल किस हद तक खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि अब ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसराइल का नापाक वजूद इस दुनिया से मिटा देंगे। इसके साथ ही ईरान ने इसराइल की जौहरी साइट डेमोना को भी निशाने पर रख लिया है। ईरानी हुकाम ने साफ और दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब की बार इसराइल की खैर नहीं, हमने इसराइल की न्यूक्लियर साइट को नेस्तो नाबूद कर देना है। दोस्तों, इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक क्यों बढ़ गई? अमरीका इस वक्त क्या पोजिशन इख्तियार किए हुए है? इसराइल पर हमले की सूरत में मगरबी ममालिक का रद्द अमल क्या होगा, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन-ए-गिरामी, सूरत हाल बिगड़ी जब इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से अमरीका को तड़ी लगाई गई। हुआ कुछ यूं कि अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलिवन तेल अबीब पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट, इसराइल के वज़ीर दिफा और खारजा अमूर के वज़रा से मुलाकातें की। इसमें इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमरीका पर वाज़े कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता, अमरीका फौरी तौर पर ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात खत्म करे और अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। यहाँ ये बात खासी अहमियत की हामिल है कि इसराइली टीवी चैनल 13 के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन 3 हफ्तों से इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के राब्तों का जवाब देने से कतरा रहे थे। आखिरकार 3 हफ्ते बाद उन्होंने खुद इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता या मुलाकात करने की बजाय मुशीर कौमी सलामती को तेल अबीब भेजा। ये मुलाकात भी खुशगवार नहीं रही, क्योंकि इसमें अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की जानिब से पेश की जाने वाली वजाहतें और तावीलें इसराइल ने तस्लीम करना तो दूर सुनना तक गवारा नहीं की। इसराइली हुकाम ने बस एक ही रट लगा रखी है कि अमरीका ईरान से न्यूक्लियर डील पर मुजाकरात खत्म करे, ताकि हम ईरान पर हमला करके इसे तहस नहस कर दें। दोस्तों, अब अमरीका को ईरान से कोई खास लगाव या मोहब्बत तो है नहीं, और ना ही जो बाइडन ईरान के कोई चाचा मामा लगते हैं। अमरीकी सदर सिर्फ इसलिए इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान पर हमले की सूरत में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार दुनिया एटमी हथियारों से लैस है और आलमगीर जंग छिड़ने का सीधा साधा मतलब दुनिया का खात्मा है। प्यारे साथियों, एक तरफ इसराइली वज़ीर आज़म है तो दूसरी तरफ इसराइल के एयर चीफ हैं, जो इसराइली वज़ीर आज़म से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने ईरान पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। इसराइली फिजाइया की कमान संभालने वाले मेजर जनरल तोमर बार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल कल ही ईरान की जौहरी तंसीबात पर कामयाबी से हमला कर सकता है। इसराइली फिजाइया के सरबराह ने बड़क मारते हुए दावा किया कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से तबाह कर सकता है। जनरल तोमर बार का कहना था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वहां यानी ईरान में कुछ कर गुजरें और वापस खाली हाथ आ जाएं, यानी ये न कह सकें कि हम मिशन मुकम्मल करके कामयाब लौटे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इसराइल की बढ़कें। अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इसराइलियों की रात की नींदें और दिन का चैन हराम हो गया है। आखिर क्यों इसराइल ईरान से इस कदर खौफजदा है? इसकी वजह यह है कि अब तक कभी भी ईरान की जानिब से इसराइली जौहरी साइट को निशाना बनाने का ऐलान या धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन अब तेहरान ने यह धमकी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी। इसके पीछे साफ मकसद है कि अगर इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो इसके साथ वो सलूक होगा कि दुनिया के नक्शे पर नुक्ते जितने मुल्क इसराइल का निशान तक गायब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ईरान ने रवामा 5 रोजा फौजी मशकें मुनाकिद की। मशकों के इख्तिताम पर ईरान की जानिब से एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 मिसाइल दागे गए। इन मिसाइलों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। ईरानी जनरल ने इन मिसाइलों को इसराइल के लिए खुली धमकी और वार्निंग करार दे दिया है। ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर की जाने वाली इन फौजी मशकों को अजीम पैगंबर का नाम दिया गया है। इन मशकों के दौरान दागे जाने वाले 16 के 16 मिसाइलों ने इंतहाई कामयाबी से अपने आदाफ को निशाना बनाया। इन मशकों में किए जाने वाले जिस तजुर्बे ने इसराइल को खौफजदा कर रखा है, वो है इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बनाना।
खलीजे फारस में होने वाली इन मशकों के दौरान मिसाइलों ने एक ऐसे हदफ को जमीन बोस किया जो इसराइल के डेमोना जोरी रिएक्टर जैसा था। अब इधर फौजी मशकों में मिसाइल ने डेमोना से मुशाबत रखने वाले एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया तो उधर इसराइल में सफे मातम बिछ गई। इसराइली शहरों में सायरन बजा दिए गए। सब लोग घरों से महफूज मकामात पर छुपने के लिए भागने लगे। किसी भी मुमकिन हमले से बचने की तैयारी की जाने लगी। नाज़रीन ग्रामी, इन मशकों में इस जौहरी रिएक्टर को तबाह करने के मनाजिर ईरान के सरकारी टीवी पर भी नशर किए गए। इस वीडियो को सबसे ज्यादा बार इसराइल में देखा गया। बस ये वीडियो देखनी थी और गीदड़ भभकियां देने वाली इसराइली क्यादत समझे के बिल्कुल लेट गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ईरान की जानिब से सिर्फ बढ़के नहीं मारी जा रही, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया का सबसे महफूज तरीन समझा जाने वाला हमारा एटमी प्लांट डेमोना भी महफूज नहीं है। और जब ईरान को इसका इल्म है तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया भी ला इल्म नहीं है। प्यारे साथियों, इन मशकों में फौजी जवानों से खिताब करते हुए ईरान की मुसल्ला अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तेल अबीब को शट अप कॉल देते हुए कहा कि हमने ये मशकें सयूनी फौज की बढ़ती धमकियों का जवाब देने के लिए मुनाकिद की हैं। इन मशकों में हम हजारों में से सिर्फ चंद मिसाइल मंजरेआम पर लाए हैं। हम इन मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला करने की जुर्रत करने वाले मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि ईरान ने इस हफ्ते जो फौजी मशकें की हैं, इनका मकसद इलाकाई हरीफ इसराइल को एक इंतहाई वाज़े पैगाम देना है। जनरल हुसैन सलाम का वाज़े और दो टोक अंदाज में कहना था कि अगर इसराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो हम इसके हाथ काट देंगे। मैली नजर सरजमीने ईरान पर डाली तो सयूनी अफवाज की आंखें नोच ली जाएंगी। ईरानी फौजी हुकाम की जानिब से एक और चीज वाज़े कर दी गई है कि अगर इसराइली हमले के बाद दुनिया के ठेकेदार या चौधरी बनने के ख्वाहिशमंद अमरीका ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो इसे भी संगीन नतायज भुगतना होंगे। जनरल सलामी ने कहा कि हमारे पास मौजूद छोटे और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल इसराइल तक पहुंचने के साथ ही खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों तक भी मार कर सकते हैं। अगर अमरीकी अफवाज ने दरमियान में कूदने की कोशिश की तो अमरीकी फौजी तनसीबात की भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मौजूद दोस्तों, इसके साथ ही 2006 में इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने वाली हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्ला ने भी दबंग एंट्री दे दी है। हसन नसरुल्ला ने अपने बयान में कहा कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की गलती की गई तो हिजबुल्ला पूरी ताकत के साथ तेल अबीब पर यलगार कर देगी। हसन नसरुल्ला का कहना था कि हम तो 30 साल से इसराइल के साथ दो दो हाथ करने के इंतजार में बैठे हैं, अब तक तो मौका नहीं मिल सका था, लेकिन अब अगर कुदरत ने मौका दिया तो हम रहें या न रहें, लेकिन इस बात की गारंटी है कि दुनिया के नक्शे से इसराइल का मुल्क मिट जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस आग पर पानी छिड़कने और ठंडा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यकीनी तौर पर रूस और चीन तेहरान के साथ खड़े होंगे। चीन का मतलब है कि पाकिस्तान भी ईरान के शाना बशाना खड़ा हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान सामने आ गया तो फिर तुर्की, मलाइशिया और कतर समेत दीगर इस्लामी ममालिक भी मैदान में कूद पड़ेंगे, और इसके नतीजे में दुनिया में वो तबाही फैलेगी कि लोग पहली और दूसरी जंगे अजीम को भूल जाएंगे। अब देखना यह है कि अमरीकी इकदामात के नतीजे में इसराइल और ईरान के दरमियान छुलकती चिंगारियां बुझती हैं या फिर मजीद भड़कती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये सुलगती चिंगारियां भड़की तो ना सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि अमरीका समेत पूरी दुनिया को जलाकर राख बना देंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमामीन।